सबसे आसान तरीका है, आप कश्मीरी गेट पहुंचे और वहां से बस करें। आप इंटरसिटी और रेड बस भी कर सकते हैं। हमने HRTC से भुंतर के लिए बस करी। भुंतर से कसौल 2 घंटे की दूरी पर है। याद रखें, कैश जरूर कैरी करें। बस बीच में 1-2 बार ऐसे ढाबों पर रुकती है जहां आप खा सकते हैं और फ्रेश हो सकते हैं। सुबह तक हम पहाड़ों पर पहुंच चुके थे, पर भुंतर अभी दूर था। बीस नदी के किनारे होकर चलने से सफर सुहाना लगने लगा था। रेलवे लाइन का काम अभी चल रहा है, तो आशा है भुंतर या मनाली अब बहुत जल्द ट्रेन में भी जा सकते हैं। 14 घंटे के सफर के बाद फाइनली हम भुंतर पहुंचे थे, पर कसौल अभी भी 2 घंटे दूर था। कसौल पहुंचने के लिए हमने एक बस करी जो कसौल, मणिकर्ण और बरसैनी जाती थी। हम छलाल उतर गए क्योंकि हमने ऑलरेडी बुकिंग करा रखी थी छलाल की। होटल तक के लिए हमने ट्रैक किया। बीच में पार्वती नदी का प्यारा व्यू मेस्मराइजिंग था। अगर आपको वीडियो यहां तक पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बंजारा स्टोरीज। तो हम पिछले ऑलमोस्ट 25-30 मिनट से ट्रैक कर रहे हैं अपने होटल में जाने के लिए। सब बहुत थक चुके हैं और ये बैग लेके चलना और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं पागल हो गया हूँ, मैं चलते चलते ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे पैर में दर्द हो रहा है। करीब 1 घंटे ट्रैक के बाद हम फाइनली अपने होटल पहुंचे। आवाज सुनकर खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। फाइनली होटल मिल गया। ड्रामेबाज। हमने 5 लोगों का एक ही रूम किया था। रूम काफी प्यारा था। 5 लोगों के लिए सोने की अच्छी खासी जगह थी। सिंगल बेड भी अच्छा खासा स्पेशियस था। ये व्यू मिलता था रूम के अंदर से और बालकनी से और भी प्यारा। साइड से पार्वती नदी बहती हुई। जब भी कोई बुकिंग करे पहले कॉल करे और पूछे कि वहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग बुक करे। हमने ये नहीं किया और यहाँ पे डायरेक्ट आ गए। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ नहीं है, लाइक गीज़र नहीं है बिकॉज यहाँ पे पावर नहीं आता, जनरेटर से यहाँ पे सप्लाई होता है। तो गीज़र नहीं चला सकते, रेडिएटर नहीं चला सकते और पीने के लिए गर्म पानी नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम सोच लेते हैं कि होगा ही, बट कभी कभी नहीं होता। गुड मॉर्निंग, ये हमारी सेकेंड डे है एंड फर्स्ट मॉर्निंग। हमारे होटल के पीछे से पार्वती नदी बहती हुई। ये पूरी पार्वती रिवर बह रही है। तो अभी मैं उसके बैंक में जाके थोड़ा देर बैठूंगी और थोड़ा रिवर को एंजॉय करूंगी।
कसौल से आगे पहुंचने के लिए हमें कसौल बस स्टैंड तक पहुंचना था, जिसके लिए हमने छलाल ट्रेल की, जो कि 25 से 30 मिनट का रास्ता था। बहती नदी ने सफर में चार चांद लगा दिए थे। आप बस स्टैंड पहुंचकर टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। कसौल आए हैं तो जर्मन बेकरी से पेस्ट्री और पाई जरूर ट्राई करें। कसौल में हमने उसकी नाइट लाइफ तो एंजॉय नहीं करी, पर ऐसे कैफेज कसौल में बहुत है जहां आप उसके नाइट लाइफ का लुत्फ तो भी उठा सकते हैं। If you like the video, then please like, subscribe and share.